विद्यालय से जब चोरी हुई कापी और किताबें तो अपने ही प्रधानाध्यापक पर लगा दिए कई गंभीर आरोप और कोतवाली में दे दी तहरीर। भाई साहब चौंक जाओगे, इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा जो प्रार्थना पत्र वो आम नहीं है गुरु। हालांकि ऐसे प्रार्थना पत्र अपने अध्यापकों को लिखे जाते हैं, लेकिन भगवान कसम ये प्रार्थना पत्र बिल्कुल अनोखा और अनमोल है। चौंक जाओगे जब पता लगेगा ये प्रार्थना पत्र नहीं बल्कि तहरीर है, वो भी अपने ही प्रधानाध्यापक के खिलाफ। गुरु सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ एकदम सही बोल रहा हूँ। अपने ही प्रधानाध्यापक पर कई गंभीर आरोप एक छात्र ने लगाए, उसके बाद कोतवाली में जाकर तहरीर दे दी। अब मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कहावत तो सुनी होगी, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गया, लेकिन कसम भगवान अगर पुलिस ने पूरे मामले में एक्शन ले लिया तो चेला पीड़ित हो जाएगा और गुरु आरोपी। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के बीसलपुर का है, जहां एसआरएम इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र मोहम्मद नूर आलम का आरोप है कि उसकी कुछ कापी किताबें क्लासरूम से चोरी हो गई। जब इसकी शिकायत लेकर वह अपने प्रधानाध्यापक राम प्रताप सिंह के पास पहुँचा तो उन्होंने अभद्रता करना शुरू कर दिया। छात्र ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके विद्यालय में ना तो कोई नियम है और ना ही कानून, छात्र से लेकर शिक्षक तक सब ही अनुशासनहीनता का प्रयोग करते हैं। लेकिन कसम भगवान, जब छात्र ने अपने ही विद्यालय की पोल खोलना शुरू किया तो डेढ़ मिनट तक नहीं रुका भाई साहब, डेढ़ मिनट तक। वीडियो में आगे आप खुद ही सुनेंगे छात्र ने क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल अपने ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक की शिकायत, विद्यालय में चोरी हुई कापी किताबों का खुलासा किए जाने की बात छात्र मोहम्मद नूर आलम ने बीसलपुर कोतवाली में तहरीर देकर की है और कार्यवाही करने की भी मांग की है। फिलहाल अब ये प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, हर कोई इसकी चर्चा भी कर रहा है। छात्र की मासूमियत भी इस प्रार्थना पत्र में नज़र आ रही है। जिस कॉपी के पेज पर हमेशा अवकाश और मध्य अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखे जाते थे, आज उसी कॉपी के पेज पर अपने ही प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करने की बात लिखकर छात्र बीसलपुर कोतवाली में तहरीर देकर आया है, जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है। फिलहाल आज तक सबने सुना होगा कि कापी किताबें पेन पेंसिल तो चोरी विद्यालय में होती रहती हैं, लेकिन विद्यालय का प्रबंधन उसको संभाल लेता है। जब विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने हाथ कड़े कर लिए तब छात्र कोतवाली में पहुंच गया और कहा, साहब हमारी कापी किताबें दिलवा दो, प्रधानाचार्य को चाहे टांग दो या कार्यवाही कर दो, लेकिन गुरुजी हमारी कापी किताबें दिलवा दो। अब यह मामला जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है। छात्र यहीं तक नहीं रुका, छात्र बोला कि हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही ठीक नहीं है, अगर वो ठीक होते तो शायद ये होता ही नहीं। फिलहाल छात्र ने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें कई सारी वो बातें भी कर रहा है। हम सब कुछ आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे, आप देखते रहिए।